अरे भी यार जान दे जान दे। अरे यार पीछे ही पड़ जाते हो। कह रहे हैं आरसीबी का रिव्यू दो। क्या रिव्यू दूं यार, 68 ऑल आउट। जी हाँ, विराट द किंग कोहली गोल्डन डक। पिछले मैच में अंडा था पर इस बार गोल्डन डक। गोल्डन डक का मतलब पहली गेंद पे ही साफ। जेंसन की गेंद अंदर आ रही है बाहर जा रही है, जनाब को कुछ अता पता नहीं है क्योंकि दिमाग में डील्स चल रही हैं। 500 करोड़ उससे कर लूँ, 200 करोड़ उससे कर लूँ, 50 करोड़ की ऐड जोरू के साथ कर लूँ, बेटी को कब लॉन्च करूँ ऐड में, उससे भी पूरी कमाई करनी है, तो क्रिकेट में ध्यान कहाँ से रहेगा भाई। और आज आरसीबी अपनी औकात पे आ गई क्योंकि डीके इनका इकलौता मंच संभालने वाला खिलाड़ी अंडे पे खुद भी साफ हो गया, जो उसने भी हथियार डाल दिए कि भैया हमारे बस का नहीं है। जीतना तो था ही सनराइज़र्स हैदराबाद ने। उन्होंने भैया एक विकेट भी वो तुक्के में गिर गई, हर्ष पटेल हर्षद पटेल जो भी नाम है उसका, कि वो भैया अभिषेक शर्मा छक्का मारना चाहता था विनिंग शॉट की, 50 भी उसी से करूँगा और विनिंग शॉट भी, तो तुक्के में वो आउट हो गया। क्या फ़र्क पड़ा, अपना त्रिपाठी की लाठी आके चली, उसने 6 मार के मैच ख़त्म कर दिया। कहानी वहीं की वहीं रही। बात ये नहीं कि भाई कहानी क्या है, कहानी ये है कि आरसीबी के नसीब में आईपीएल नहीं है। इस पुनौती विराट कोहली को जब तक टीम से लात मार के बाहर नहीं करेंगे, 15वीं एडिशन है आईपीएल की भैया, अब तो कुछ अकल कर लो। 15 साल में तो लोग यार पूरे विश्व का ब्रह्मांड करके आ जाते हैं। एक वीडियो मैं आज ही बनाऊंगा विराट कोहली और रोहित शर्मा की, जो स्लंप है फॉर्म में जो आया, और कौन कम बैक कर सकता है कौन नहीं कर सकता, उस पर भी कुछ विशेष वार्तालाप करेंगे। काफ़ी है और बोलूं। दुआओं में याद रखना।